स्वागत है। सुप्रभात। आज आपका गैतवाद का चैप्टर वन का दो पहलू की कथा पढ़ाया जा रहा है। इसके लेखक है प्रेमचंद, प्रमुख पात्र है झूरी, जो दोनों पहलू का मालिक है। झूरी के पत्नी और झूरी का साला गया, एक छोटी लड़की गया की बेटी, दलियन कसाई जो जानवरों का व्यापारी है। और कहानी का उद्देश्य है कृषक और पशुओं के बीच में भावनात्मक संबंध और सतत प्रयास और संघर्ष से ही आजादी मिलती है। बच्चों, दो बैलों की कथा में यह बताया गया है कि किसान और पशुओं के बीच में जो संबंध होता है मित्रता का होता है। जानवर भी अपने मालिक से उसी तरह से प्रेम करते हैं जिस तरह से किसान करता है। और ये दो बैलों की कथा के माध्यम से यह भी दिखाया गया है कि बिना संघर्ष की आजादी नहीं मिलती है। प्रेमचंद में इसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया है, जैसे हितोपदेश और पंचतंत्र में संस्कृत में जो कहानियां हैं पशु पक्षियों के माध्यम से ही लोगों को जगाने का काम किया है, जागृत करने का काम किया है, क्रांति फैलाने का काम किया है और देश को आजाद करने के लिए प्रेरित किया है। उसी तरह से इन्होंने दो बैलों की कथा के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया है। बात रही बात कि ये कहानी उस समय लिखी गई थी जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, हमारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया जा रहा था। इसमें प्रमुख पात्र है झूरी। इसके पास दो बैल थे, एक का नाम हीरा, एक का नाम मोती। झूरी अपने बैलों से बहुत प्यार प्रेम करता था। कहा जाता है कि पशु भी प्रेम का भूखा होता है। ये भी अपने मालिक से उतना ही प्रेम करते थे जितना कि उसका मालिक करता था। झूरी इन लोगों से उतना ही काम लेता था जितना जरूरत है और भूल करके कभी मारता पीटता नहीं था। पशुओं में भी जो है सो काफी प्रेम होता है और आपस में इन लोगों में भी काफी प्रेम था और दोनों में यूनाइट था, दोनों में एकता थी। नाच भी एक साथ मुंह डालते थे और एक साथ जो है उठाते थे। कहानी के शुरुआत में जानवरों के रूप में गधा का थोड़ा सा वर्णन किया गया है। गधा के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि गधा जो है एक ऐसा जानवर है जो सुख में भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, न दुख में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है और एकदम वो सरल स्वभाव का रहता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं करने के कारण से सबसे बुद्धिहीन पशु उसको माना जाता है। यहाँ लेखक गांधी जी की ओर संकेत करते हैं। गांधी जी का थोड़ा सा इनडायरेक्टली नाम आया है। तो गांधी जी अंग्रेजों का विरोध करते थे लेकिन अंग्रेजों को कभी गाली नहीं दी, कभी जोर जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश नहीं किया। आज हम देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग जो है गर्व दल के थे और ये मार पीट करके किसी भी हालत में अंग्रेजों को भगाना चाह रहे थे, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं थे चाहते थे। गांधी जी चाहते थे अंग्रेजों से ये करते थे कि आप यहाँ से चले जाएं, ये हमारा देश है और ये हमारा देश जब है तो आप अपने देश में चले जाएं। अंग्रेज लोग हंसते थे कि आपके बोलने से हम क्या चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, एक दिन आपको जाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा मातृभूमि है और इसको छोड़कर के आप चले जाएं। तो ये सीधा साधा जिंदगी जो है उस जिंदगी को लोग गधे से तुलना करते हैं और मंद बुद्धि लोग कहता है या तो बुद्धिहीन कहा जाता है, लेकिन यहाँ लेखक ने गधे को ऋषि मुनियों से तुलना की है कि ऋषि मुनि जो होते हैं वो किसी भी अवस्था में गुस्सा नहीं करते हैं और वो दूसरे के हित के काम हित के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पशुओं में से और एक पशु होता है वो गधा से थोड़ा सा अलग हट करके होता है, वो है बैल। बैल ऐसा पशु है जो काफी मेहनती है और वो श्रम का प्रतीक है। आप हमारे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो तीन शेरों वाला चित्र, उसमें देखिएगा जो पैसे हैं उसमें एक साइड में जो है घोड़े का जो पावर का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है और दूसरे किनारे दूसरे में है बैल का। जो तस्वीर आपको साफ दिखाई देगा वो सिक्का होगा, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, उसमें जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे देखिएगा जहाँ गोल चक्र है उसके दाएं बाएं दोनों पशुओं का आपको मिलेगा। तो बैल जो है परिश्रम का प्रतीक है और घोड़ा जो है शक्ति का प्रतीक है। तो इस तरह से बैल जो है काफी मेहनती होता है।
अब चलते हैं कील बैलों की जो कथा है वो कथा कैसे शुरू होती है। ये मैंने बताया कि झूरी कील बैलों को बहुत चाहता था, भूल करके कभी मारता पीटना नहीं था, अपना काम करता था और बहुत प्यार से खाना पीना, समय पर खाना पीना, चारे पानी का बहुत व्यवस्था करता था। उसकी एक पत्नी थी और पत्नी का भाई एक दिन गया, वो आता है और जैसा कि मान लीजिए कि सहयोग की भावना होती है तो अगल बगल भी हम लोग मान लीजिए कि जिसके पास गाय बैल नहीं है वो जुताई के लिए बगल वाले से भी मांग कर काम चला लेते हैं। उसी तरह से झूरी भी अपने भनोई का जो बैल है वो हीरा और मोती को एक बार मांग करके ले गया अपने खेत जुताई करने के लिए। तो जब बैल को ले जाने लगा तो बैलों को ऐसा लगा कि शायद हमारा जो मालिक है वो हमें बेच दिया, हमको खाना नहीं देता, पीना नहीं देता, काम जितना जाता था लेता था लेता, लेकिन बात रहा कि हम लोग बेच क्यों दिया, इन लोग पैसा लगा। तो रास्ते में इन लोग बहुत तंग किया तो गया को बहुत क्रोध आया, ले जाकर के मोटे मोटे रस्सियों से बांध दिया, बांध देने के बाद रूखा सूखा मांस डाल दिया, खाना भी ढंग से नहीं दिया और रात में इन लोग क्या किया कि दोबारा वो भाग करके अपने घर चले आए। झूरी की पत्नी जब देखी तो वो जल भूल करके राख हो गई कि ये काम करने के लिए मेरा भाई ले गया था और दोबारा जो है सो ये भाग करके चले आए। वो सीधे मूल बात नहीं की, रूखा सूखा भूसा वो भी डाल दी वो, लेकिन वो किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं किया, अपना खाना वाना खाया और आराम से रहा। दूसरे दिन गया फिर आया और आकर के इस बार अगले बार तो तंग किया था, रास्ते में कोई इधर भागता था कोई उधर भागता था, तो अब की बार जो है सो वो गाड़ी पर जोत करके ले गया। रास्ते में हीरा चाहता था कि गाड़ी धकेल दे और इसको जो है सो या तो गाड़ी लेकर के भाग जाए, लेकिन मोती जो है सो समझदार था, दोनों में से एक समझदार था एक थोड़ा सा उग्र स्वभाव का था, तो ये किसी तरह से वहाँ गया और जाने के बाद वो बहुत सख्त काम लेने लगा। दिन भर काम लेता था, खाना भी ढंग से नहीं देता था, मोटे मोटे रस्सियों से बांध देता था। उसके घर में एक छोटी लड़की रहती थी, वो गया की बेटी थी और उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, वो छोटी थी, सौतेली माँ थी, उसको बहुत सताया करता था, बहुत शोषण करती थी, खाने पीने ढंग से नहीं देती थी और इन बैलों से भी अधिक काम लिया जाता था, इन लोगों को भी खाना पीना ढंग से नहीं देता था। इसलिए इस लड़की को बैलों को इस तरह से शोषण करना अच्छा नहीं लगता था, वो चुपके से कभी कभी रोटी खिला देती थी, एक दो रोटी खिला देती थी। बैलों को समझ में आ गया कि इस लड़की के साथ जो है सो गलत हो रहा है, इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब इन लोग सोचा कि चलिए इस लड़की को इतना सताया जाता है तो उसकी माँ को ही मार दो, सिंह मार दो। लेकिन एक ने समझाया, हीरा ने समझाया कि नहीं, औरत हमारा ये है, हमारा सिद्धांत है कि औरतों पर हम सिंह नहीं चलाते, औरतों पर हम हाथ नहीं उठाते, हम उसको नहीं मारते। इसे प्रेमचंद का नारी जो है नारी पर इज्जत जो है वो निकल करके सामने आता है कि नारी का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से छोटी लड़की उसको खिलाती है। एक दिन क्या होता है कि एक बैल रस्सी को चबा चबा करके तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो वो लड़की चुपके से आई और दोनों को खोल दिया, लेकिन दोनों बैल भाग नहीं रहे थे, इसलिए नहीं भाग रहे थे क्योंकि सोचा कि अगर हम लोग भाग जाते तो छोटी लड़की को मार पड़ेगी, इसलिए भाग नहीं रहे। तो लड़की ने चिल्लाना शुरू कर दिया, फूफा जी का बैल भाग गए, फूफा जी का बैल भाग गए। तब जाकर के दोनों बैल जो है सो वहां से चले गए भाग। रास्ते में मटर का खेत मिला, भर पेट उन्होंने खाया, खाने के बाद थोड़ी ताकत हो गई। रास्ते में एक सांड मिला, सांड को एक पर वार किया तो दूसरे ने पीछे से वार किया, यानी दोनों मिलकर उस सांड को भगाता है। इसमें लेखक बताता है कि एकता में ही बल है, अगर दोनों बैल में एकता नहीं होता तो सांड को लोग नहीं भगा पाता। दोबारा वो फिर खेत में चलने जाते हैं, उस समय मालिक आता है, खेत का मालिक किसान आकर के जो ऐसे दोनों को पकड़ करके कांजी होश में बंद कर, कांजी होश बोलते हैं जैसे आदमी का जेल होता है उस तरह से पशुओं का जेल कांजी होश कहा जाता है। वहाँ पर भेड़ बकरी और गधे बहुत से जानवर थे जो सिर्फ हड्डियाँ बच गई थी। इन लोग को देख करके तो इन लोग सोचा कि भाई तो यहाँ तो काफ़ी दिक्कत है और खाना पीना ढंग से नहीं मिलता था। वहाँ पर प्रतिदिन पशुओं की हाजिरी ली जाती थी, हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि नया पशु कौन आया, कितने पशुओं का आहार देना है या किसी कितने पशुओं का नीलाम करना है, और इस तरह से प्रतिदिन हाजिरी लिया जाता था। अंतिम में ये लोग क्या करता है कि एक दिन सींग से दीवार को तोड़ करके भागने की कोशिश करता है तो जो है सारे बकरियां पहले भाग जाती है, घोड़ियां भी भाग जाते हैं, लेकिन गधा नहीं भागता है तो गधा को मार मार के लोग भगा देता है।
एक बना हुआ था, एक खुल गया था, लेकिन एक को छोड़कर दूसरा नहीं गया। तो फिर कांजी बस वाला ने देखा तो दोनों को खूब पिटाई, पिटाई करने के बाद जो है सो इन लोगों को दूसरे दिन नीलाम करता है। नीलाम करने का होता है कि बेच देता है, गोली बुला करके इसको बेच दिया। बेच दिया तो ये दरअसल कसाई जो है जानवर को ले व्यापारी ये खरीद करके ले जाता है, ले जाने की कोशिश करता है। और ले जाते जाते रास्ता इन लोग को जाना पहचाना लगा, जाना पहचाना लगा तो इन लोग जोर लगाया, इतना ताकत कहाँ से आ गया पता नहीं, अपना घर का जाना पहचाना रास्ता लगा, दौड़ करके वो अपने घर पहुंच जाते हैं। पीछे पीछे दरिया लाता है और दरिया जो है भैरव को मांगने लगता है। तो आप देखा मैं जा देखा उसमें से एक जानवर जो है सो एक हीरा जो होती दोनों में से एक दौड़ा उसको मारने के लिए और दरिया भाग जाता है और वो अंतिम में अपना घर पहुँच जाता है। इस तरह से दो बैलों की कथा में दोनों बैल अपने फिर पुराने वाले की यानी जोड़ी के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि एक बार वो भाग करके घर आता है गया के घर से, दूसरे बार रस्सी तोड़ करके भागने की कोशिश करता है तो कसाई ये कांजी होश में बंद हो जाता है, कांजी होश वाला उसको बेच देता है। फिर वो दड़ियल खरीद लेता है, दड़ियल खरीद करके जो है उसको ले जाना चाहता है, वो कसाई उसको बेच देता दूसरे जगह या तो उसको काट करके उसका मांस बेच देता। तो इस तरह से वो लोग जोर लगा करके संघर्ष करते हुए फिर से अपना घर पहुंच जाता है। और यहाँ पर कहानी का उद्देश्य यह है कि कृषक और पशुओं के बीच में यानी किसान और पशुओं के बीच में जो भावनात्मक संबंध होता है काफ़ी, अब हम तो जानते हैं कि हमारे समाज में जो किसान होते हैं वो खेती के साथ साथ पशुओं का भी पालन करते हैं, वो गाय भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी ये सारा चीज़ वो लोग रखते हैं, बतख बतख रखते हैं, ये उनका जो है सो एक धन हमारा पशुधन भी कहा जाता है। पुराने जमाने में जब लोगों का विवाह होता था तो गाय या बैल उसको दहेज में दिया जाता था। इस तरह से संघर्ष की कहानी के साथ हमारे ये दो बैलों की कथा संपन्न होता है। धन्यवाद। अब पिछले क्लास अगले क्लास में दूसरा सब्जेक्ट।